उत्तरी बगदाद में शनिवार देर रात को एक इराकी सैन्य अड्डे पर दो रॉकेटों ने हमला किया। हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। इस सैन्य अड्डे पर अमेरिकी सैनिक अक्सर आते हैं। इराक की सेना ने बताया कि इस महीने में ये तीसरा ऐसा हमला है। इराकी सैन्य बयान के अनुसार कट्यूशा रॉकेट्स ने कैंप ताजी पर हमला किया और मामूली क्षति पहुंची, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। मार्च में कैंप ताजी पर रॉकेटों के एक बैराज के बाद दो अमेरिकियों और एक ब्रिटिश सैनिक की मौत हो गई थी, जिसका इस्तेमाल कई वर्षों से परीक्षण के आधार के रूप में किया जाता रहा है। ये हमले ऐसे समय में हो रहे हैं जब हाल ही में वॉशिंगटन और बगदाद ने कूटनीतिक वार्ता शुरू की है। अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डेविड शेंकर ने वार्ता के बाद वॉशिंगटन में पत्रकारों से कहा कि इराक आगे बढ़ने और अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने के लिए दृढ़ है। इराक के संयुक्त ऑपरेशंस कमान से जारी एक बयान में कहा गया है कि हमले के बाद इन रॉकेटों के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।